नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। लोकसभा चुनाव में हार के कारण अज्ञातवास पर गए तेजस्वी यादव वापसी के बाद फिर से एक्शन में हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी और संगठन को लेकर जो होमवर्क किया है उसके मुताबिक युवाओं को जोड़े बगैर आरजेडी बिहार में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर रखा है। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर की गई बैठक में तेजस्वी यादव ने पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक को निर्देश दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़े। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के नेताओं को बताया था कि कैसे बीजेपी ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल करके रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। मिशन 2020 के लिए तेजस्वी ने अपनी पार्टी को युवाओं के ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया है। इस रणनीति पर फीडबैक के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी 14 सितंबर को युवा आरजेडी की बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर बुलाई गई इस बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ साथ आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में युवा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बोलू मंडल, प्रदेश अध्यक्ष और सभी युवा नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव शुरू होने से महीनों भर का वक्त बचा है। दुर्गा पूजा के बाद 10 अक्टूबर तक पार्टी का सदस्यता अभियान चलाना है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर संगठन चुनाव कराए जाने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया जाएगा। हालांकि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो रामचंद्र पूर्वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूर्वे की खासियत रही है कि वह लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक नेतृत्व के साथ कंफर्टेबल फील करवाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बाद पार्टी में प्रदेश की कमान संभालने वाले पूर्वे को लेकर तेजस्वी पॉजिटिव रहे हैं, लिहाजा पूर्वे आगे भी इस पद पर बने रह सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और रामचंद्र पूर्वे के बीच अगर कोई चीज आड़े आ सकती है तो वो है पूर्वे की बढ़ती उम्र। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव यह चाहेंगे कि उनका प्रदेश अध्यक्ष दमखम के साथ पार्टी और संगठन को लेकर चुनाव में उतरे। ऐसे में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्वे को किसी नए तेज तर्रार नेता से रिप्लेस किया जाए। अगर तेजस्वी ने वाकई बदलाव का मन बनाया है तो प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक आलोक मेहता का नाम सबसे आगे है। प्रदेश नेतृत्व तेजस्वी की पसंद का होगा यह जाहिर है, लेकिन उस पर लालू यादव की रजामंदी भी जरूरी होगी। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।